सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का वेलकम है पूनम कौर रेसिपीज में। तो फ्रेंड्स, चना चाट तो आपने बहुत बार खाई होगी। आज मैं आपके लिए एकदम चटपटी और एकदम स्पेशल आसान सी चना चाट की रेसिपी लाई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो फिर चलिए, देर ना करते हुए हम अपनी आज की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कप चने ले लिए थे काले वाले, और इन्हें मैंने रात को ही पानी में धोकर अच्छी तरह से भिगो दिया था। आप ये देखिए, सुबह मैं इसे चेक कर रही हूँ, करीब 6 से 7 घंटे हो चुके हैं और ये जो हमारे काले चने हैं ये अच्छी तरह से फूल चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनका जो पानी है उसमें से इसे छान कर फिर से 1 से 2 बार अच्छी तरह से धो लेंगे। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है एक कुकर, तो अब हम इस चनों को इस कुकर में डाल देंगे, साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। हमें अब इन चनों को उबालना है, तो यहाँ पर आप पानी डालें जब तक जो हमारे चने हैं वो अच्छी तरह से इसमें डूब ना जाएं, और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और लो फ्लेम पर मैंने इसे 4 विसल लगाई हैं ताकि ये अच्छी तरह से बिल्कुल सॉफ्ट बॉयल हो जाएं। लो फ्लेम पर आप इसे 4 विसल लगवा लीजिए। अब 4 विसल के बाद दोस्तों, मैं आपको इसे ओपन करके दिखा रही हूँ। 4 विसल के बाद ये अच्छी तरह से कुकर ठंडा हो चुका है। अब मैंने इसे ओपन किया है तो आपको मैं दिखा देती हूँ कि कितने परफेक्टली जो हमारे चने हैं बॉयल हो चुके हैं। अगर आपको लगे कि चने हार्ड लग रहे हैं तो 1 विसल आप उन्हें और लगवा लें, पर ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, दबाते ही बिल्कुल प्रॉपरली प्रेस हो गए। बस हमें इसी तरह से बिल्कुल परफेक्ट उबले हुए चने चाहिए थे। तो अब हम इसे पानी में से छान लेते हैं और 5 मिनट छलनी में ही रख देंगे। अब 5 मिनट मैंने इसे छलनी में रख दिया तो ये एक्स्ट्रा पानी जो था वो भी सूख चुका है। अब इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ऑलिव ऑयल के 2 बड़े चम्मच ले लिए। ये देखिए, 2 बड़े चम्मच के करीब हम इसमें ऑलिव ऑयल डाल देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। आप अगर जीरा पसंद करते हो तो इसमें जीरा डाल सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने जीरा को थोड़ा स्किप किया है। और 1/3 छोटा चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाली है और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। और जल्दी इसे 10 या 20 सेकेंड के लिए हम इसे तेल में भून लेंगे। जैसे ही हम इसे तेल में सूखे मसालों को भुनेंगे उसके बाद हम अपने चने इसमें डाल देंगे। जब आप इसमें अपने चने डालें तो गैस का फ्लेम कर दें हाई और इन चनों को 2 मिनट तक भून लें। अंदर से तो वो बहुत अच्छे सॉफ्ट हैं, बट ऊपर से थोड़े से क्रिस्पी करेंगे हम इस स्टेज पर। ये देखिए कितना परफेक्टली ये भुने जा रहे हैं। अब इस स्टेज पर हम बाकी के सूखे मसाले भी इसमें डाल लेते हैं। तो सबसे पहला जाएगा अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर 1 छोटा चम्मच हमने इसमें डाला है, 1 छोटा चम्मच नमक या स्वाद के अनुसार नमक, 1 छोटा चम्मच हमने इसमें चाट मसाला का डाल दिया। बस आप अगर और भी कुछ सूखे मसाले पसंद करते हो जैसे भुना हुए जीरे का पाउडर या कसूरी मेथी तो आप डाल सकते हैं, बट चाट में उन सब का फ्लेवर थोड़ा सा अलग हो जाएगा, इसलिए बहुत ही बेसिक मसाले मैंने इनमें डाले हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम बंद करके इसे ढक्कन लगाकर थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। ढक्कन ज़रूर लगाइए आप इसे। अब ऑलमोस्ट 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, ये जो हमारे चने हैं बहुत अच्छी तरह ठंडे हो चुके हैं, तो मैं इन्हें एक बर्तन में डाल रही हूँ। अब हम करेंगे बाकी की सारी चीज़ें इसमें ऐड। तो मैंने 1 बड़ा प्याज बिल्कुल बारीक टुकड़ों में काट कर इसमें डाल दिया दोस्तों, 1 बड़ा टमाटर और 2 से 3 हरी मिर्च, जितना आप तीखा पसंद करते हो उतनी हरी मिर्च डाल दें, उन्हें भी काट कर डाल दिया। और 3 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलूओं को मैंने इस तरह से बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया है। 1 नींबू का रस हम इसमें डाल देंगे। वैसे अगर आप पसंद करते हो तो उबले हुए कॉर्न भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब बस अब क्या, इन सारी चीज़ों को हमें करना है मिक्स। जो चने हैं उनमें काफ़ी सारे मसाले पहले से ही हैं, तो अब जब आप इन्हें मिक्स करेंगे तो सभी चीज़ें आपस में रच जाएंगी। देखिए कितना परफेक्ट कलर लग रहा है, मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा, मेरे मुंह में आ चुका है पानी। बस मैं इसके ऊपर डालती हूँ थोड़ा सा हरा धनिया और ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप देखिए कितनी टेस्टी रेसिपी बनी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपने इस तरह से ट्राई किया तो घर में सबका एक्सपीरियंस कैसा था।